Hi all, this is Anjali and this is lecture 3 for the Java code course. So here we'll just discuss how to make the first Java program. Isse pehle wali dono videos mein humne discuss kiya tha ki Java ke features kya hote hain and then why Java is called a pure object oriented language. And abhi hum discuss karenge ki hum Java ka ek basic program kaise likhte hain, which will just print that hello world thing. Okay, so to start with, ab को मैंने तीन सॉफ्टवेयर्स बताए थे. आप नॉर्मल नोटपैड में भी लिख सकते हो, आप एक्लिप्स में भी लिख सकते हो, या आप नेटबीन्स में भी लिख सकते हो. एनी हाउ यू डू, आपके पास अगर एक ब्लैंक फाइल है, जबकि नेटबीन्स और एक्लिप्स में हमारे पास चॉइस होती है कि हम चाहें तो पहले से ही क्लास लिखी हुई आती है और उसके अंदर मेन भी लिखा हुआ आता है. लेकिन अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हो तो आपको ये कोड खुद लिखना पड़ेगा. एक्लिप्स और नेटबीन्स में ही अपने आप लिखा हुआ आता है. सो इसके प्रैक्टिकल सेशन में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से तीनों में हम रन करके देख सकते हैं. बट जो कोड लिखा हुआ आता है तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या लिखा है. सो कोड कैसे लिखा हुआ आता है, मान लो मैंने अपना पेज बनाया फर्स्ट डॉट जावा. सो उसमें क्या लिखा होगा, क्लास विच इज़ ऑल स्मॉल, क्लास नेम ऑफ द क्लास लेट्स से फर्स्ट, देन वी स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर एक मेथड होता है दैट्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग आर्ग्स. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये आप स्ट्रिंग स्पेस आर्ग्स के पीछे भी लगा सकते हो, या स्ट्रिंग के साथ स्क्वायर ब्रैकेट देके स्पेस आर्ग्स भी लिख सकते थे. बोथ वे इट विल वर्क. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. ये कोड इक्लिप्स और नेटबीन्स में पहले से लिखा हुआ आएगा. इफ यू इंक्लूड द मेन मेथड इन दैट, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती है. पर इसका मतलब क्या होता है, सो जावा में कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास के तो बनता ही नहीं है. आपको कोडिंग जो भी करनी है वो विद इन अ क्लास ही होती है, इसलिए पहले ही क्या होता है, क्लास स्टार्ट हो जाती है. सो क्लास, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड मेथड्स. सो यहाँ पे हम क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं. देन नाम आपकी मर्जी है, आप कुछ भी दे सकते हो. मैंने फर्स्ट दिया है तो प्रोग्राम का नाम भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट डॉट जावा. यू शुड नॉट सेव इट विद एनी अदर नेम. सो फर्स्ट डॉट जावा नाम से ये सेव होगा आपका. उसके बाद क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब इन सब वर्ड्स का क्या मीनिंग है, आई विल टेल यू. और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, आप वो कोड लिखोगे जो एग्जीक्यूट होना है, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो रही है क्लास की. ठीक है, अब इन वर्ड्स का क्या मतलब है वो हम करेंगे. बट हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मैंने इसके अंदर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या फिर प्रिंट एल एन भी लिख सकते हैं. एंड डबल कोट्स के अंदर वो मैसेज दे दिया जो प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड. ओके, लेट इट बी. नाउ मेन इज द स्टार्टअप फंक्शन जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होती है. अगर आपके पास मेन नहीं है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. सो मेन इज द स्टार्टअप फंक्शन जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को रन करेगा. क्योंकि होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड. तो ये जो फर्स्ट डॉट जावा प्रोग्राम हमने लिखा है ये पहले जाएगा किसके पास, कंपाइलर के पास. कंपाइलर उसको कंपाइल करके बनाएगा एक फाइल जिसका नाम होगा फर्स्ट डॉट क्लास, दैट इज द बाइट कोड. सो ये बाइट कोड जो है वो डॉट क्लास फाइल के अंदर सेव होता है. फिर जब हम उसे रन करने की कमांड देते हैं तो वो जाता है पहले इंटरप्रेटर के पास, और फिर इंटरप्रेटर जो मशीन कोड जनरेट करता है वो एग्जीक्यूट होता है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से कॉल क्या करेगा, वो कॉल करेगा फर्स्ट डॉट मेन. अगर मेन नहीं हुआ तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आ जाएगा कि लिंकर एरर है, मेन नहीं मिला. बट अगर प्रोग्राम अगर मेन है तो जो भी मेन में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो दैट्स वाई वी मेक मेन. देन इज वॉइड. ये मेन भी स्मॉल लेटर्स में है, वॉइड इज ऑल्सो स्मॉल लेटर्स. Void is a data type which means nothing. Because जब एक हम function बनाते हैं, function का मतलब होता है a block of statements which is responsible to do a task. उसका काम है एक काम को करना और फिर कोई result return करना. पर main तो execute हो रहा है और main कुछ भी return नहीं कर रहा है तो हम void लिखते हैं. Void means no return type. So void is in small letters, it's a keyword. It means function is not returning anything. सो जब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो हम void लिखते हैं. अगर फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा होता है तो int लिखते हैं.
फ्लोट रिटर्न कर रहा होता है तो फ्लोट लिखते हैं. सो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू. तो मेन के पास आपके पास चॉइस ही नहीं है, आप कभी उसको वॉइड की जगह कुछ और लिखोगे ही नहीं, आपको वॉइड ही लिखना है. देन पब्लिक इज अगेन इन स्मॉल लेटर्स एंड पब्लिक मीन्स विच कैन बी यूज फ्रॉम एनी वेयर. सो मेन क्लास के बाहर से कॉल हो सकता है क्योंकि ये क्लास है फर्स्ट और मेन जहाँ से कॉल होगा वो इस क्लास के बाहर है. सो इट कैन बी कॉल्ड, अगर मैं पब्लिक नहीं दूंगी तो वो कॉल नहीं हो पाएगा. सो पब्लिक ही देना पड़ेगा आपको मेन को ताकि वो कॉल हो सके. सो इट मीन्स इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम और यू कैन से यूज्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. अब अगला जो वर्ड था वहाँ पे वो है स्टैटिक. स्टैटिक अगर तो आप लोगों ने C++ की हुई है एंड उसमें आपको पता है स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड द स्टैटिक हेयर. अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप दिस कंसेप्ट ऑन अ साइड. अभी आप इस पर ज़्यादा बॉदर नहीं करो. अब जब हम इसमें करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स और फंक्शंस क्या होते हैं देन यू विल अंडरस्टैंड इट. पर जिन्होंने किया हुआ है उनको मैं एक बार गो थ्रू करा देती हूँ फॉर दिस कंसेप्ट. सो हमारे पास जब हम क्लासेस बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में एक रूल होता है कि जो फंक्शंस बने हुए हैं क्लास के अंदर वो क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल होते हैं. तो अगर मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट लिया है ए. लाइक आपने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ए. C++ में हम ऐसे करते थे. तो आप ए डॉट इनपुट कॉल करोगे, ए डॉट रिजल्ट कॉल करोगे. सो बेसिक थिंग इज कि जो फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर वो ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट लगा के कॉल होते हैं. बट जो फर्स्ट नाम की क्लास आप जावा में बना रहे हो जिसके अंदर मेन है, उसका तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसे कॉल करना है. तो स्टैटिक फंक्शंस वो होते हैं जो क्लास के नाम के साथ कॉल हो सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग एन ऑब्जेक्ट. तो इसीलिए वो फर्स्ट डॉट मेन को कॉल कर पाता है क्योंकि मेन स्टैटिक है. अदरवाइज क्लास के नेम के साथ डॉट लगा के फंक्शन कॉल नहीं हो सकता अगर वो स्टैटिक ना हो. सो स्टैटिक का मतलब है अ फंक्शन विच कैन बी कॉल्ड यूजिंग name of the class. It does not require an object to be called. So that's why we have to make it as static. So इसलिए हम लिखते हैं public static void main. अब उसके आगे brackets में लिखा है string args, जो कि ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसमें जो string है इसका s capital है, it's a predefined class in Java. So s आपको capital लिखना है, बाकी सब कुछ small है. अब स्ट्रिंग आर्ग्स मीन्स इट्स एन एरे. सो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि जो रिसीव हो रहा है वो एक एरे है. एरे मीन्स कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड स्ट्रिंग मीन्स आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है. इसे हम कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. ये आप सिर्फ तभी यूज कर पाओगे अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट दैट मीन्स डॉस प्रॉम्प्ट से, या अगर आप मैक यूजर हो तो टर्मिनल से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो. तो अगर आप नेटबीन्स या इक्लिप्स से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो यू विल नेवर हैव कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. सो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सिर्फ तब होते हैं जब हम डॉस या टर्मिनल से प्रोग्राम को रन करते हैं. तो वहाँ पे जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें ऐसे रन करना पड़ता है. पहले हमें देनी पड़ती है कमांड जावा सी फर्स्ट डॉट जावा. इससे क्या होगा, वो प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और डॉट क्लास फाइल बनाएगा. फिर आप रन करने के लिए कमांड देते हो जावा फर्स्ट, तो आपका प्रोग्राम रन हो जाता है. अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यूज दी होती हेलो अंजलि व्हाटएवर, सो ये वैल्यूज़ जो हैं जो आप प्रोग्राम के नाम के बाद देते हो, ये वैल्यूज़ दीज विल बिकम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. तो ये उस एरे में जाते हैं, वो आर्ग्स वाले एरे में जाते हैं और हम वहाँ से उन्हें फेच कर सकते थे. बट अगर आप नेटबीन्स और एक्लिप्स में काम कर रहे हो तो आप कभी भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूज़ नहीं करते हो. बट स्टिल आई विल शो यू कि किस तरह से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूज़ होते हैं और कैसे हम कमांड लाइन से जावा का प्रोग्राम रन करते हैं इन द प्रैक्टिकल सेशन वीडियो. सो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कैसे रिसीव होते हैं और कैसे यूज़ हो सकते हैं. सो दैट्स अबाउट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. लेकिन आप नेटबीन्स और एक्लिप्स में भी चाहे यूज़ करो या ना करो, लेकिन यहाँ लिखना तो पड़ता ही है, अदरवाइज वो मेन को रन नहीं करेगा. सो इट मस्ट बी देयर, वी कांट स्किप इट. उसके बाद ये मेन हो गया. अब इसके अंदर वो स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट करनी है. अभी फ़िलहाल मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड. सिस्टम का एस कैपिटल है, then system is all small. System is a predefined kind of, you can say, namespace or a class. So system is a predefined class dot out
सिस्टम क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड है जिसका नाम है आउट, पब्लिक ऑब्जेक्ट है तभी आप यहाँ से कॉल कर पा रहे हो, और स्टैटिक भी है. सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन इज़ नेम ऑफ द फंक्शन, जिसकी राउंड ब्रैकेट्स में हम वो मैसेज देंगे जो हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना है. एंड सेमी कॉलन इज़ यूज एज अ टर्मिनेटर टू मार्क एंड ऑफ द स्टेटमेंट. अगर आप एक सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामर हो तो आपको पता है कि हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं टू मार्क एंड ऑफ द स्टेटमेंट. एंड अगर आप न्यू हो देन ऑल्सो यू शुड नो कि जब भी जावा की कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हम लिखेंगे एंड में वी हैव टू पुट अ सेमी कॉलन. वी डोंट पुट अ सेमी कॉलन हेयर एट द एंड ऑफ क्लास लाइन एंड दिस पब्लिक बिकॉज ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लॉक को मार्क कर रही हैं. जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो आपकी ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. सो प्रिंट एल एन और प्रिंट दो फंक्शंस अवेलेबल हैं. प्रिंट का मतलब है प्रिंट करो एंड उसके बाद अगर कुछ प्रिंट होगा तो वो सेम लाइन पे प्रिंट होगा. प्रिंट एल एन का मतलब है इस चीज़ को प्रिंट करो एंड गिव अ न्यू लाइन ताकि आगे कुछ प्रिंट हो तो वो उससे नेक्स्ट लाइन पे आए. सो दैट्स हाउ वी राइट दिस. सो दिस इज़ हाउ यू राइट अ वेरी बेसिक प्रोग्राम इन जावा. सो प्रोग्राम हमेशा क्लास से शुरू होता है. क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, बीच में मेन होगा, और अगर सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं तो दिस इज़ हाउ वी प्रिंट द वैल्यू. सो दैट्स हाउ वी राइट अ वेरी बेसिक प्रोग्राम इन जावा. सो इफ आई हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू से थैंक यू, आई राइट लाइक क्लास टू पब्लिक स्टैटिक void main round bracket string args and here I write system dot out dot println. Thank you. And I write system dot out dot println like share unsubscribe. That's it. So this is how we write the basic program in Java. That's it for this video. Stay tuned for the practical sessions for the same. Thank you.